Come, I will put you. Come, come. With me, with me. Please kill me, please. All Pakistan, don't play with you, TDM. I'm scared, Pakistani, I am scared. क्या चला आ रहा है, होगी ठीक ठाक होंगे। एंड आज की ये वीडियो आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। एंड गाइस, इस वीडियो में होने वाले फड्डे, जैसा कि तुम लोगों ने ट्रेलर से आइडिया लगा लिया होगा। एंड बात यार चैलेंज तक पहुंच जाती है तो सारे सीन के ऊपर जाएंगे। उससे पहले आते हैं क्लचेस के ऊपर। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था एक बंदा, मैंने कहा चलो पुश करते हैं। बंदे को मैंने यहाँ पर नॉक करके छोड़ दिया, हीलिंग विलिंग की, लेकिन इसके टीममेट्स यहाँ पर नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा रुको जरा सब्र करो, ये कहीं दूर जा रहा है, तो उसको तो मैं फिनिश कर दूँ। और जैसे ही मैं फिनिश करता हूँ, इसके बाकी के टीममेट भी यहाँ पर आ जाते हैं। और भाई साहब क्या ही ये लोग खतरनाक खेल रहे होते हैं। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, तुम्हारा भाई यहाँ इनको नचा नचा कर पेलने वाला है। अरे अरे यार, ये तो मैं खुद ही नाच गया उनको नचाना था। यार जल्दी से यहाँ पर किट मार लेते, इतनी देर में जो बंदा मैंने नीचे नॉक दिया वो भी रिवाइव हो जाएगा। भाई साहब यहाँ पर दो बंदे नचवा कर मैंने गैस कैन से फोड़ दिए। आइए अल्लाह हबीबी, गॉड लव यू माय फ्रेंड। भाई साहब अगर आपको मजा आया वीडियो को कर देना लाइक के मैं 8000। ओके, तो यहाँ पर एक बंदा मुझे स्पॉट होता है, मैं इसको नीचे देने की कर रहा था, लेकिन उन लोगों ने दूर से नॉक कर दिया और मैं इनका किल चुरा दिया। जब मैंने इनका किल चुरा दिया तो भाई ऑफकोर्स इनको आएगा गुस्सा मेरे पे, और ये लोग भाई मेरे को पकड़ने के लिए आ जाएंगे। तो मैंने कहा, मैं तो यही चाह रहा था यार, क्या है मेरे ऊपर, तो थोड़ा क्लच वलच हो जाए, है समझ रहे हो। तो यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ और मुझे यहाँ पर हेरिंग आती है बंदे की, अब यार हमेशा की तरह ये आरपी करते हैं नेट। तो तुम्हारे भाई को यहाँ पर आ जाती है फीलिंग नेट की, तो मैं यहाँ पर ये वाली जगह ले लेता हूँ, ये थोड़ी सेफ है, यहाँ पर नेट नहीं पड़ने वाला। एंड अब मैं भी इनके ऊपर एक नेट करूंगा, वो भी देखना आप लोग। ओ भाई साहब, इधर से कैसे आया यार, बिल्कुल साउंड नहीं आया। एचपी लो बाघ बंटी आजा आजा, देख रहा हूं मैं तुझे, एक बार बस किट लगने दे फिर मैं बताता तेरे को। और देखो गाइस यहाँ पर ये बंदा किसी को का देख रहा होता है, भाया मैं इधर है। अरे यार फीलिंग सो सैड फॉर यू। एंड गाइस अभी देखो यहाँ पर तुम्हारे भाई को, देखो बंदे और स्पोर्ट नहीं हुए ना, देखो तुम्हारा भाई यहाँ पर तुम्हें एकदम हलाल हैक दिखाने वाला है, चेक करना भाई।
हैकरिया जमा तुम्हें सोच रहे हो कि कैसे पता चला यहाँ से बंदा निकलने वाला? वो मेरे को साउंड आई थी हल्की सी एंड मैंने इमेजिन ही किया था यहाँ से पीक देगा, तो इसलिए मार दिया। रैक वैक कुछ नहीं होता है, सही है। और यहाँ पर देखो फिर से मुझे साउंड आई किसी बोट की, तो यहाँ पर ये जो बंदे हैं सारे खत्म हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फड्डे के सीन पर। अब यहाँ पर मैं जा रहा था और ये देखो भाई साहब, ये बंदे इतने क्लोज आ चुके थे कि भाई मेरे को ये स्कार्ड हाउस लेना पड़ गया, एचपी लो कर दी। तो मैंने कहा जल्दी से यहाँ पर किट मारते हैं, गाइस यहीं पर होने वाला सारा फट। लोगों ने पहले बंदे को नोट करना है कि भाई वो कैसा डैमेज देता है कि 1 HP कर जाता है। गौर करना यहाँ पर, काफी डैमेज दिया, ड्रॉप शॉट ठीक से हुआ नहीं क्योंकि हील नहीं था। तो यहाँ पर ये लोग मेरे को फिनिश कर देते हैं। अब मेरे पास था रिकाल, तो मैंने कहा भाई मैं आकर तुम लोगों से रिवेन लेता हूँ। अब रिकाल होकर मैं उसी घर में आता हूँ एंड मेरे पास लेवल 1 का हेलमेट वेस्ट है और सामने वही बंदे हैं, वो एक्सूट वाला जो तुम लोगों ने देखा ग्रोजा का कितना खतरनाक डैमेज दिया मेरे लेवल 3 के हेलमेट वेस्ट पर। अभी तो लेवल 1 है लेकिन देखो भाई साहब, इसको यहाँ पर मैंने एक गोली भी टच नहीं करने दी। जैसा कि तुम लोगों ने यहाँ पर सुन लिया होगा, मेरे को गालियां भी दे रहे थे और बोल रहे थे यहीं पर रुको कि हम अभी रिकाल होकर आते हैं। मैंने कहा आओ इतनी देर में यहाँ पर मैं वेस्ट उठा लेता हूँ लेवल 3 की। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर इसकी पेटी से मैं ग्रोजा भी उठा लेता हूँ। एंड गाइस अब ये बंदे ना बारी बारी आने वाले हैं रिकाल होकर। देखना अभी एक बंदा यहाँ पर आता है रिकाल होकर, छत के ऊपर लैंड होता है। अरे भाई से पिटने के बाद ना कोमा में जला जाता है मतलब समझ ही नहीं आती इसको अचानक से क्या होता है। खैर मैंने नॉक दे दिया, अब इसके बाकी के टीममेट आ गए भाई रिवेन लेने। ओके माओ ने बचे हो, कपी ने ओम मारने पे हो, शर्म नहीं आनी भाई। इसके काम देखिए तुम लोगों ने, ये लौंडा कितना पिरो बन रहा था और ये वही लौंडा था जब मैं 1 HP से नॉक हुआ था। अच्छा गाली दे रहे मेरे को, ओके कह रहा है कि मेरे को मार दो। ओके बस टेंशन नहीं लेनी, इस बंदे को भी पूरा मौका मिलेगा यहाँ पर। मैंने कहा आजा रिकाल होकर एंड ये आ गया रिकाल होकर वापस से अपना रिवेन लेने। आइए अल्लाह हबीबी गो टू लोबी। अब देखो ये हाल के ऊपर क्या बोलता है। अल्लाह निकवाद اخ يا عمري انت والله انك عمي. يور انكل مي اون ذا بلاير انكل مي يور. اي نو اي ام بيج بوت وذ يو. اي ام بيج بوت اول باكستاني اول باكستان اول باكستان اي ام اول باكستان نوب. انا والله انا قدام اب تمہارا بھائی ہے اس کو بولتا ہے کہ بھائی باتیں نہیں کر میرے کو بھیج فرینڈ ریکویسٹ اور میرے ساتھ کھیل روم واحد ورسز واحد تو یہاں پر دیکھو کیا بولتا ہے آگے سے اوکے نو آئی ڈونٹ پلے ود یو ٹی ڈی ایم آئی ایم ویری بوت آئی ایم ویری بوت یا آئی ایم سکیئر پاکستانی آئی ایم سکیئر अब मैं इसको बोला कि तू डर गया मेरे से, कहता हाँ मैं डर गया। तो खैर मैंने गेम के बाद जाकर अपनी फ्रेंड लिस्ट भी देखी, मैंने कहा शायद से इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हो ना, तो भाई वाकई में इस बंदे ने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट तक नहीं भेजी, शायद से वो मेरा टाइटल देख के डर गया। खैर जो भी तुम लोगों को इस पड्डे की चस आई या नहीं तो कॉमेंट में चस चस लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी के जो टीममेट होते हैं इसके डैमेज होते हैं, एक को तो मैं गिरा देता हूँ। तो मैंने कहा चलो ओपन में ही रुके हैं तो पकड़ लेते हैं। और मैं निकला ओ बगीले के रस्ते में एनिमी आए, मैं उठे उन्हां दी पेटी बना छुड़ी, गाने की माँ बहन भी कर छुड़ी। अलार्म को पीक देता है, शर्म नहीं आता तुमको है? ओ
ये क्या था? पढ़ा उसको टिनटिन। हाँ इबला। अबे भाई साहब लास्ट बचा था। सो गाइस हो जाता है 1v4। अब तुम्हारा भाई आता है ड्रॉप के ऊपर एंड यहाँ पर मुझे एक बंदा स्पॉट होता है नीचे। नहीं भाई साहब ये स्पॉट नहीं हुआ था, मुझे तो दूसरा हुआ था। ये अलग ही गिली पहन कर लेटा होता है, तो मैंने कहा चलो अब घरों के ऊपर जाते हैं एंड देख। भाई अब तुम्हारे भाई को यहाँ पर ये इमोट मिल जाता है, ये मुझे पहले दिन से मिलता आ रहा है, लेकिन यार मैं बेवकूफ था, मेरे को पता नहीं था ये जो बटन था ना, ये मैंने छोटा सा करके कहीं ऊपर मैप की साइड फेंका हुआ था, तो जब मेरा क्लच होता था तो मुझे पता भी नहीं चलता था कि ये बटन आ चुका है इमोट वाला। तो खैर मैंने ये अब देखा। अब इसी जगह पर यहाँ पर एक और टीम आ चुकी थी। भाई साहब क्या DBS मारा उस बंदे ने। खैर यहाँ पर फिर से इमोट मिल जाता है तुम्हारा बाइक को, तो बढ़ते अगले क्लच के ऊपर। अब यहाँ पर बंदे जो थे बिल्कुल सामने घरों में थे, अब मुझे नहीं था पता कोई चर्च के ऊपर भी बंदा होगा, तो मैं उधर ही देख के जा रहा था घर वाली साइड। नहीं 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 घरों पर ना, फुल स्क्वाड। बंदे नॉक हो चुके थे तो मैंने कहा भाई अब तो बनता है पुश, लेकिन उससे पहले यहाँ पर किट बनती है, जो मैंने सामने नॉक दिए वो रिवाइव भी हो जाएगा मेरे जाते जाते। और यहाँ पर कहीं और कोई ना निकल आया यार। अब गाइस यहाँ पर मैं टेलीपोर्ट लगा रहा था एंड ये लग नहीं रहा था यार, मतलब ग्रेविटी भी डाल दी इसके अंदर, ऊपर से नीचे नहीं जा सकते, नीचे से ऊपर जा सकते हैं, मतलब पता नहीं क्या ही सीन है पबजी का, अलग ही लेवल का। आप लोग साथ भी कभी ऐसा होता है, मैं तो अक्सर मर जाता हूँ, ये टेलीपोर्ट नहीं लगता और पीछे से पड़ जाती है, समझ रहे हो ना तुम लोग। खैर यहाँ मैंने करा दिया नेट इनको डांस कराने के लिए। ओ नाच रहे हैं वो लोग भी, मैं भी नाचने लग गया। तो अब ये लोग कमरे के अंदर नाच रहे थे, मैंने कहा रुको जरा सरप्राइज देते हैं इनको। पहले तो मुझे लग रहा शायद कोई ऊपर ऊपर नहीं था कोई भी, नीचे ही नाच रहे थे दोनों बंदे, तो मैंने कहा रुको इनको सरप्राइज देते हैं। भाई साहब दोनों के गन यहाँ रीलोड लग गए, लेकिन स्विच करके तुम्हारा भाई ने यहाँ पर पेल दिया। सो गाइस अब यहाँ पर तुम्हारा भाई आता है इस केव के अंदर, केव के ऊपर मतलब अंदर तो बंदे थे ना यार, बंदे लूट रहे थे। गाइज अब यहाँ पर काफी बंदे नॉक कर दिए थे तुम्हारे भाई ने, तो मैंने कहा एक नेड करते हैं यहाँ पर एंड साथ ही ना फिर पुश कर देते हैं। अब देखो मैंने यहाँ सही नेड किया, कोई बंदा नहीं है, ठीक है कोई नेड से नॉक वाला फट गया है। जैसे ही मैं जाता हूँ सामने दूर वाले बंदे पे, कंबूरी भाई साहब ये तो यहाँ पर सांस बंद करके बैठे थे, क्लच फेल हो जाता है तुम्हारे भाई का। सो आज की ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब लगे बहुत सारा क्या रखिए, दुआ में देखिए, अल्लाह हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर।